Have you ever felt? Are you listening? इन हसीनाओं को हुआ पत्थर दिल गैंगस्टर से प्यार। गैंगस्टर और कुख्यात अपराधियों के नाम से ही लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी हैं जिनका दिल उन लोगों पर आया जिन्हें दुनिया पत्थर दिल कहती है। जानिए कौन है वह हसीनाएं जिन्हें हुआ गैंगस्टर्स प्यार। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम। 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली फिल्म से सुर्खियों में आ गई थी। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो और दाऊद सिर्फ दोस्त है, लेकिन उन्हें पब्लिक में साथ घूमते कई बार देखा गया था। कुछ करीबियों का ये भी कहना था कि ये दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा थे। निहिता बिस्वास और चार्ल्स शोभराज। बिकिनी किलर उर्फ चार्ल्स शोभराज को निहिता से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। चार्ल्स शोभराज और निहिता ने काठमांडू के जेल में ही शादी कर ली थी। निहिता को बिग बॉस सीजन 5 में भी देखा गया था। मोनिका बेदी और अबू सलेम। मोनिका बेदी को अबू सलेम की वजह से बॉलीवुड में चांस मिला था। 2002 में अबू और मोनिका को पुर्तगाल में नकली दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। 2010 में मोनिका बेदी अपनी सजा काट कर बाहर आ गई, लेकिन सलेम को 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी। बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के बाद ममता कुलकर्णी दुबई के ड्रग डीलर विक्रम गोस्वामी के साथ भाग गई थी। बाद में दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन 2014 में ममता और विक्की केन्या में पकड़े गए थे। सोना और हाजी मस्तान। मुंबई अंडरवर्ल्ड के रॉबिन हुड हाजी मस्तान को सोना नाम की अदाकारा से मोहब्बत हो गई थी। सोना की शक्ल मधुबाला से हूबहू मिलती थी और हाजी मस्तान मधुबाला के बहुत बड़े फैन थे। शायद यही वजह थी कि सोना से पहली मुलाकात के बाद ही मस्तान ने उनसे शादी कर ली थी। अनीता आयुब और दाऊद इब्राहिम। अनीता आयुब एक मॉडल और ब्यूटी पेजेंट की विजेता थी। बॉलीवुड निर्माता जावेद सिद्दीकी ने अनीता को फिल्म में रोल देने से मना कर दिया था और इसीलिए दाऊद ने उसे मरवा दिया। एवेलिन बिली फ्रेचेट और जॉन डिलिंजर। बिली एक वेट्रेस थी जब वो जॉन डिलिंजर से पहली बार मिली। जॉन बैंक लूटने में माहिर था और कई बार जेल तोड़कर भी भागा था। बिली भी उनके गैंग के साथ घूमती थी और उन्हें वहीं जॉन से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में उन्हें एक अपराधी को पनाह देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। डिलिंजर पकड़ा गया और उसे जेल में गोली मार दी गई। मारिया विक्टोरिया हेनोवा और पाब्लो एस्कोबार। शायद इतिहास के सबसे कुख्यात गैंगस्टर और ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की मुलाकात मारिया से 16 साल की उम्र में हुई थी। उस समय पाब्लो 26 साल के थे और दोनों ने शादी कर ली। बाद में उन्हें हवाला के आरोप में 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था। जूली लूकस और फ्रैंक लूकस। सिर्फ 17 साल की उम्र में जूली ड्रग सम्राट फ्रैंक लूकस से मिली थी। 1972 में दोनों की शादी हो गई और फ्रैंक की वजह से जूली ने 5 साल जेल में बिताए थे। हेलेन गिलिस और बेबी फेस नीलसन। हेलेन ने 1928 में नीलसन से शादी कर ली थी और 1934 में नीलसन डिलिंजर गैंग के मेंबर बन गए थे। FBI के साथ शूटआउट में नीलसन बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्होंने हेलेन की बाहों में अपना दम तोड़ा। मायम हेचर और एल्सवर्थ जॉनसन। मायम न्यूयॉर्क में 10 साल रहने के बाद बम्पी जॉनसन के मिली थी। बम्पी हार्लेम के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक थे और इसीलिए मायम को रानियों जैसा ऐशो आराम मिलता था। वो हमेशा बम्पी के प्रति वफादार रही और 2009 में अपनी मौत से पहले उन्होंने बम्पी की आत्मकथा पूरी दुनिया को बताई। एंड्रिया जियोवीनो और फ्रैंक लिनो। फ्रैंक लिनो एक कुख्यात गैंगस्टर परिवार से थे। एंड्रिया की मुलाकात उनसे 21 साल की उम्र में हुई थी और कुछ समय बाद ही दोनों की शादी हो गई। लिनो के अरेस्ट हो जाने के बाद एंड्रिया ने कारोबार संभाला, लेकिन लिनो तब तक मुखबिर बन गए थे और इसी कारण उन्होंने एंड्रिया को जेल जाने से बचा लिया। बोनी पाकर और क्लाइड बैरो। ये शायद इतिहास का सबसे कुख्यात जोड़ा रहा है। 1931 में बोनी और क्लाइड ने अमेरिका में कोहराम मचा रखा था। बोनी की मुलाकात क्लाइड से 1929 में हुई थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी। क्लाइड गैंग की मेंबर बनने के बाद दोनों अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स बन गए। दोनों जिए साथ और मरे साथ जब उनकी कार पर 130 राउंड गोलियां चली। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए।